पीरियोडिक टेबल या कहो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट होता है ना, बहुत गलत करवाता है आपको, जिसमें क्या होता है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करते हो और रॉन्ग स्टेटमेंट भूल जाते हो। तो इसमें थोड़ा सा केयरफुली आंसर आपको करना होता है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को ही खोजना है। जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वही आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर होने का मतलब है कि अगर कोई कैटायन है, मान लो कि मेटल है, तो इस पे जो चार्ज है प्लस वन है और दूसरा क्या है प्लस टू है, तो स्मॉलर किसको कहेंगे, प्लस वन को कहेंगे। तो क्या कह रहा है, अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस द स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस। ये आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या है, गलत है। आपको पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में अगर आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो उस पे चार्ज जितना हायर होगा, जिस भी एलिमेंट पे चार्ज जितना हायर होगा उसके साइज़ क्या होंगे, उसके साइज़ सबसे छोटे होंगे। अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें, एग्ज़ाम्पल में अगर एल्युमिनियम प्लस थ्री है, मैग्नीशियम आपको प्लस टू है और आपका सोडियम प्लस वन है, तो इसमें सबसे छोटा साइज़ किसका होगा, सबसे छोटा साइज़ आपको एल्युमिनियम का होगा। तो एल्युमिनियम प्लस थ्री से बड़ा होगा मैग्नीशियम प्लस टू, इससे बड़ा होगा आपको सोडियम प्लस। तो ये अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, और इसी चीज़ को हमें खोजने के लिए कह रहा था। इसमें तो सबसे पहला ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकेंड को भी चेक कर लें, अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन लार्जर इज आयनिक साइज। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जितना अगर आयनिक स्पेसिस में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि अगर आप लोगों को नेगेटिव चार्ज हायर है, मान लीजिए कि n माइनस थ्री है, एक जगह पे O माइनस टू है और एक जगह पे F माइनस वन है, तो इसमें एनायन का साइज़ तो एटम के साइज से बड़ा होता है, लेकिन अगर सभी को चेक करें तो सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन था, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स थे, ये भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो इसमें सबसे साइज़ किसका बड़ा होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे बड़ा होगा, मतलब कि नेगेटिव चार्ज की हायर मैग्नीट्यूड होगी। तो इसमें सबसे बड़ा साइज होगा नाइट्रोजन माइनस थ्री आयन का, इससे छोटा होगा ऑक्सीजन माइनस टू का और सबसे छोटा होगा फ्लोरीन माइनस वन का, अगर इस तीनों में कंपेयर करें तो। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हम लोगों को रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा था तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तीसरा के लिए अगर चेक करें तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव डॉन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर फर्स्ट ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है तो हमारे काम का नहीं है। फिर उसके बाद है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज ऑन मूविंग अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब मेटल से नॉन मेटल। अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, तो यस ये करेक्ट है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये भी हमारे काम का चीज़ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो कि आपको ऑप्शन नंबर वन है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये देखिए बच्चे, इसमें आप लोगों को क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऑटोमोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, नेगेटिव एनर्जी होती है उसकी, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इसके लिए अगर हम लोग चेक करें कि कौन करेक्ट ऑर्डर होगा, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट है तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होती है। फिर उसमें अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पे है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये ऑटोमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है। कैल्शियम ग्रुप टू का एलिमेंट है, तो कैल्शियम। फिर इसके पहले कौन सा एलिमेंट था, एल्युमिनियम, ये आपको ग्रुप 13 का एलिमेंट है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। फिर उसके बाद कार्बन अगर हम लोग चेक करें, ये पीरियड नंबर 2 था, ये पीरियड नंबर 3 है, और उसके ऊपर अगर आप लोग चेक करें ये पीरियड नंबर
3 है, ये पीरियड नंबर 4 है। अगर हम लोग इसके ऊपर चेक करें एल्युमिनियम, इसके ऊपर अगर एलिमेंट देखें तो ये कार्बन है। कार्बन नंबर कहाँ है, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है कार्बन। फिर उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन नहीं है, सीधे आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 16 का। और फिर उसके बाद क्या है, फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी में ज़्यादा जाते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी आपकी इंक्रीज़ होते जाती है। तो आप देखिए सबसे पहले कौन है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी आपको कैल्शियम का होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी है और इसका साइज़ भी बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज़ करना चाहेगा। इससे हायर होगा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के बाद फिर आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी हाई होगी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होगा और सबसे हाईएस्ट होगा किसका, फ्लोरीन का। ये हम लोगों को यहाँ पे रिपल्सन भी काम करता है, लेकिन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है हाई ही रहती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कार्बन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन फैक्टर सभी के लिए काम करता है, लेकिन हम लोगों को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी भी हाई ही होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन किसको मैच करता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन मैच करता है 4th को। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि आपको पहले आया हुआ नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे।